पेन एक दिनु दिनुस बस हो गया मलीहा मेरा नाम है और मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कंगन तहसील से हूँ और एक्चुअली ये मेहनत करके ही हर कोई कामयाबी हासिल हो रही है इसीलिए मैं हर रोज़ डेडिकेशन के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द टिल द वेरी एंड मैं हर रोज़ मतलब एटलीस्ट दो दो घंटे अपनी पढ़ाई को देती थी इसी वजह से एंड में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा इसीलिए डेडिकेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट क्या मानती है आप ये जो कश्मीर में अभी हालात खराब है इसके बावजूद यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं आए रोज खासतौर पर लड़कियों ने जो बाजी मारी है अब के बाद जिस तरह कश्मीर में बहुत कम मौका मिलता है बच्चों को स्कूल में और फैमिली में ऑफकोर्स कभी प्रेशर नहीं डाला गया हमेशा वो एनकरेजिंग रहे और उन्होंने जितनी मेहनत की है मतलब उसी हिसाब से हम ये कर पाए हमारे स्कूल ईयर में कैलेंडर ईयर में हमें मतलब इस साल बहुत स्ट्राइक्स हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी हमारे स्कूल में सिलेबस टाइम पे ख़त्म हुआ टेस्ट भी लेते थे और पेरेंट्स बहुत इनकरेजिंग थे इनकरेजमेंट और बेसिकली मेहनत जो है ऑफ कोर्स ये आपको इतना आगे ले जा सकती है बढ़िया अगर एक कोई सबसे पहले मैं अल्लाह को अपनी कामयाबी के लिए सारा क्रेडिट देती हूँ उसके बाद अपने पेरेंट्स को और उसके बाद अपने सारे टीचर्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी पहले तो मैं ऑलमाइटी अल्लाह से शुक्रिया अदा करने की किया फर्स्ट मैं मस्जिद में गया मैंने दो रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी और उसके बाद मैंने अपनी बच्ची को अपने पास लाया इसको मुबारकबाद दी इसने हमारा नाम रोशन किया तो इसका एज अ पेरेंट मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे हर फील्ड में टॉप कर सकती है और ये हर फील्ड में आगे जा सकती है बस हमें पेरेंट्स की गाइडेंस होनी चाहिए इनको पेरेंट्स को थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए कि जैसे मैंने अपनी बच्ची के लिए काफ़ी मेहनत की काफ़ी मैंने इसके लिए कोशिश की क्योंकि इसके बस भी अवेलेबल नहीं थी मैं इसको स्कूल खुद लेके जाता था खुद लेके आता था कभी कभी काफ़ी टाइम के लिए बड़ी मेहनत की मैंने और इसका क्रेडिट मुझे आज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बी ए मुस्लिम एक मैसेज देना चाहता हूँ हर किसी पेरेंट को कि हम वैसे थे मुसलमान हमें कहीं नहीं रोका गया कि आप अपने बच्चों को तालीम से रोको चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो खासकर बच्चियों को कि ये बड़े बड़े दानिश्वर भी कहते हैं कि अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो एक पूरा जो घर होता है वो यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इसीलिए इस्लाम ने कहीं पे भी नहीं रोका है बच्ची को पढ़ने से कि हम इनको पढ़ा सकते हैं हर किसी मैदान में लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट्स है उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है और